मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। और जैसा कि अक्टूबर का मास यानी अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और अक्टूबर के महीने में कौन सी राशि के साथ कौन सा ग्रह मिलकर बाजार का क्या हाल करने वाला है, किस माल में तेजी रहेगी, किस माल में कमी रहेगी, या फिर कौन सा व्यापार है जो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और कौन सा व्यापार कम हो सकता है, किस व्यापार में आपको मंदी देखने को मिल सकती है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे ग्रहों के हिसाब से कि कौन से बाजार में मंदी और कौन से बाजार में तेजी रहने वाली है। सोना, चांदी, गुड़, शक्कर, हर तरीके की बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक की ही बताऊँगी और बाकी के दिनों की यानी कि 18 से लेकर 31 तारीख तक क्या रहने वाला है बाजार का हाल, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में आकर यानी कि खुद की ही राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा और बुध शुक्र का परस्पर मित्र ग्रह है। शुक्र बाजार में चल रही मंदी या तेजी को बढ़ावा देगा क्योंकि शुक्र जो है हर चीज में तेजी लाने वाला ग्रह है। तो शुक्र क्या करेगा बाजार का हाल? रुई चांदी में पहले तेजी बनाकर बाद में मंदी करेगा। उसके बाद गुड़, घी, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल या फिर बादाम में तेजी का वातावरण बनेगा। शेयर बाजार तेज रहेगा। ये सब शुक्र के होने की वजह से होगा क्योंकि शुक्र अपनी राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो हर राशि के ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ता है। उसके ऊपर मैंने वीडियो आपको दे दी थी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाजार का क्या हाल रहने वाला है, कि हमारा जो कारोबार है वो कैसा रहेगा। अब बात करते हैं 4 अक्टूबर के बारे में। 4 अक्टूबर को शनि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आने से काली मिर्च, सरसों तेल, अरंडी, क्रूड ऑयल और सभी प्रकार के तेलों में तेजी बनेगी। वहीं 5 से लेकर 8 तक वायदा बाजारों में घटी बढ़ी अधिक रहेगी। 9 अक्टूबर को शुक्र स्वाति नक्षत्र में आकर बुध के साथ एक नक्षत्र संबंध बनाएगा। गुड़, खांड, चांदी, शक्कर, घी में काफ़ी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं 10 अक्टूबर को मंगल हस्त नक्षत्र में आकर धान्य, घी, गुड़, खांड, नमक, लाल मिर्च, राजमा, लाल रंग की अन्य वस्तुओं में तेजी बनाएगा क्योंकि जो मंगल है वो लाल रंग का जो ग्रह माने जाते हैं वो हस्त नक्षत्र के साथ लाल रंग की जिस भी तरह की व्यापार की वस्तु है उनमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं 11 अक्टूबर को सूर्य चित्रा नक्षत्र में आकर रुई, सूत, सोना, चांदी, मोती और रत्न, गुड़, खांड, अरहर, गेहूं, चना, तिल, नारियल, केसर, कपूल और लाल रंग के वस्त्रों में विशेष तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को शनि जो है तुला राशि में आकर बुध और शुक्र के साथ मेल करने वाले हैं। रुई चांदी में कुछ मंदी बनाकर साधारण तेजी दिखेगी। वहीं गेहूं, जौ, चना, अलसी, सोना, तांबे में अच्छी तेजी बनेगी और चंदन, मजीठ, सुपारी तेल, मस्टर्ड ऑयल में भी साधारण सी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक क्या बाजार का हाल रहने वाला है और हमारे नक्षत्र, हमारे ग्रह मिलकर हमारे बाजार को कौन सी तेजी और कौन सी मंदी और कौन सी विपदा दिखाने वाले हैं, ये सब मैंने आज आपको बता दिया है। तो मैं आपको अब हर महीने की
हर महीने के बारे में बताऊंगी कि कैसी तेजी और किस वजह से और किस रीजन से आपको देखने को मिल सकती है। तो अब ये मैंने आपको सिर्फ अक्टूबर के 17 तारीख तक बताया है, आने वाली वीडियो में मैं आपको बाकी के दिनों के बारे में भी बताऊंगी। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप कि दिन आपका समय मंगलमय हो और भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, सबका व्यापार बहुत बहुत अच्छा चले, सबका कारोबार बहुत अच्छा चले। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।